हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू इन स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। इट्स अ पेज नंबर 202। तो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स of a flyover have been used for advertisement. This flyover ka use kiya gaya advertisement ke liye. The sides of the walls are 122 meter and 120 meter. The advertisement yard an earning of rupees 5000 per meter. Meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? Means, अगर जो wall है उसका हम structure बना लेते हैं, यहाँ पे roughly structure बनाते हैं, triangular shape में है, sides mention कर देते हैं 122 meter and 22 meter, 120 meter. ओके, देन इस ट्रायंगल में हम अपने नेम भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एस। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। देयर आर 3 साइड्स, सो विल पुट द वैल्यू 122 प्लस 122 एंड 122 upon 2. Add this value 264. अगर सभी को हम ऐड करेंगे 122, 22 एंड 120 को, तो हमारा सम कितना आ जाएगा 264. Then we will divide by 2. It means 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, means 132 meter, means 132 meter. नाउ फाइंड द एरिया। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इसका। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने जो आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, सिंपली S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू उसको सॉल्व करना है। देन S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 132 जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड की है। देन एस की वैल्यू से क्या करेंगे, साइड ए माइनस कर देंगे, ए हमारा 122 है, एंड फिर 132 में से सेकेंड साइड माइनस कर देंगे 22, एंड फिर क्या करेंगे 132 में से थर्ड साइड को माइनस कर देंगे, मीन्स 22 साइड को। स्टूडेंट आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो 132 को हम राइट कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 132 में से 122 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, और इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12, एंड 132 में से 22 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 110। सिंपली फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टराइज करके, तो 132 के हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11, एंड देन 10 के फैक्टर हो जाएंगे, 12 को सेम 12 ही रखते हैं, और 110 को फिर से ब्रेक कर देते हैं 110 को 11 और 10 में। सिंपली हमें क्या करना है, पेयर बाहर निकालने, तो 12 का पेयर हमें एक बाहर निकल जाएगा, और 11 का भी एक सिंगल पेयर हमारे पास बाहर आ जाएगा, एंड 10 का भी हमारे पास एक पेयर बाहर आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 की 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 11, देन 0, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, एंड 11 जा 11 और कैरी, देन 132 मीटर। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमें पर मीटर के स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिया है, तो हमें निकालना है 3 मंथ के अकॉर्डिंग मनी।
तो क्या करेंगे, 132,0 मल्टीप्लाई बाय 5,000 एंड हमें क्या है 3 मंथ का दिया हुआ है, तो 3 मंथ के अकॉर्डिंग क्या है ईयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन 4 से हम क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कैरी 1, देन हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5,000। सिंपली क्या करना है 1 2 3 4, 4 जीरोस को राइट कर लेना है, और 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15 1 16, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा रुपीज 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh मीन 16,50,000 हमारा अमाउंट निकल आएगा, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट सेशन।